मैं आपको एक और मस्त ट्रिक बता दूं यार, फिनिक्स की इसको देख के तो आप कहोगे क्या बात है बेर भाई, क्या ट्रिक बता दी, एकदम मजा ही मजा आ गया भाई, फ्री की किस निकल ली है। तो सिंपली आपको देखो क्या करना है, आपको बी हुक्का पे आ जाना है कुछ इस जगह पे, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। आपको सिंपली क्या करना है ना, जब आप डिफेंडिंग कर रहे हो, ठीक है, ये ट्रिक डिफेंडिंग टाइम की है, तो आपको क्या करना है, जब आप बी हुक्का होल्ड कर रहे हो एंड आपको स्टेप्स आते हैं यार बंदे की बी हुक्का की तरफ आ रहे हैं, सिंपली आपको कुछ इसके 90 डिग्री में यहाँ पे खड़े हो जाना है, ठीक है, कुछ इस जगह पे, एंड यहाँ पे अपनी मॉली ओपन करके आपको ऊपर की तरफ देखना है, और ठीक है, और आपको अपने फ्लैश का जो आपका ये फ्लैश का सिंबल है ना, फ्लैश का सिंबल वो वहाँ पे जाके टच होना चाहिए, जैसा कि मैं आप देख पा रहे होगे, मैंने सर्कल भी कर दिया आपको और अच्छे समझाने के लिए। इतना करने के बाद आपको अपनी मॉली थ्रो कर देनी है एंड जल्दी से फटाक से आपको अपना फ्लैश राइट की तरफ कर देना है। भाई जितने भी बंदे फ्लैश होंगे ना, सारे यहाँ कॉर्नर्स में भागते हैं, और बेनिफिट यहाँ पे ये है ना कि भाई मॉली पहले से यहाँ पे गिरी होगी एंड जो भी बंदे लाइक यहाँ पे फ्लैश होने के बाद भागेंगे बचने के लिए, क्या आप उन्हें मारना दो, तो वो बंदे सीधा जाकर भाई मॉली में मौत के मुंह में जाके गिरेंगे एंड खुद ही आपको फ्री की किल्स मिलेगी। वेल फर्स्टली हम बात करेंगे ए मेन के बारे में, कैसे हम इजी एंट्री ले सकते हैं ए साइट में, वो भी ए मेन की तरफ से। तो सिंपली देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा यहाँ तक आना होगा। आप जब भी एक बात याद हमेशा रखना, जब भी आप आओ तो कॉर्नर चेक कर लो, क्योंकि बंदे अक्सर यहाँ पर आके पहले से कैम्प कर लेते हैं, क्योंकि आप जब यहाँ से आ रहे होते हो ना तो ये बंदे तो आपको फायर देते ही देते हैं, बट कई बार बंदे शिफ्ट वॉक करके यहाँ पे आ जाते हैं एंड आपको नहीं पता चलता है, तो प्लीज़ ये कॉर्नर भी चेक कर लिया करो। आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ तक आना है, ठीक है, यहाँ से आपको पीछे से कहना है टीम फायर करता रहे ताकि बंदे ना निकले। आपने कवर करने के लिए वॉल खोला इसको लगाने के लिए, बट वैसे ही आपने ऐसे ये वॉल खोला और इधर से बंदा निकल आया तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको अपनी टीम को कहना है कि कवर फायर देता रहे कुछ यहाँ पर, मतलब कि वो कवर फायर करते रहेंगे तो यहाँ से बंदा नहीं निकलेगा, और अगर निकला भी तो आपकी टीम उसे मार देगी, ठीक है। हमें करना क्या है, आपको सिंपली इस वॉल को कुछ ऐसा यहाँ पर आकर खड़े होकर कुछ ऐसा प्लेस करना है, ठीक है, ऐसा प्लेस करना है ताकि आप यहाँ से अपने टीम को एंट्री दे सको। एंड प्रिकॉशन के लिए आपको एंट्री लेते टाइम यहाँ पे एक मॉली कर देनी है, ठीक है, जिससे यहाँ जो भी बंदा खड़ा होगा वो हट जाएगा। तो देखो आपको करना क्या है, फर्स्ट स्टेप में आपको सिंपली यहाँ पे आना है, अपनी वॉल ऐसा मारनी है, ठीक है, आपको ये व्यू पूरा ब्लॉक हो गया एंड आपको अपने प्रिकॉशन के लिए एक मॉली भी कर देनी है, ठीक है, वॉली कर दोगे जो बंदा यहाँ पे खड़ा होगा वो हट जाएगा। और गाइस यहाँ पे आने के बाद ना आपको एक बार जरूर चेक कर लेना है ऐसा फ्लैश करके, क्योंकि आप सीधा मान लो घुस जाओ, ठीक है, आप अंदर यहाँ पर ए लैम्प्स में घुस गए, बट यहाँ पे ये इतना ज़्यादा टाइट एरिया है ना कि बंदे कई बार यहाँ पर सिर्फ शॉटगन लेके बैठे होते हैं एंड वो सिर्फ एम यहाँ करके बैठे होते हैं, और आप जैसे ही घुसोगे ना आपको एम लेने का मौका नहीं मिलेगा। और भाई शॉटगन वाला आपको भी पता है क्लोज रेंज में शॉटगन कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है एंड बंदे 90% यहाँ पर शॉटगन लेके बैठे ही बैठे रहते हैं, ठीक है। एंट्रेंस लेना है ए लैम्प्स में तो आपको ये फ्लैश मारना है, ठीक है, जैसे जो भी बंदा होगा फ्लैश आप फ्लैश मार के उसको इजिली मार सकते हो, वो क्योंकि फ्लैश है, चाहे शॉटगन लेके बैठा हो चाहे जो, आपकी किस्मत बेकार हुई या आपकी किस्मत ख़राब हुई तो वो बात अलग है कि वो फ्लैश में भी बंदा आपको शॉटगन या फिर जो भी वैंडल फैंटम क्लासिक जो भी गन लेके बैठा हो आपको मार दे, बट मोस्ट प्रोबेबली आप उसको मार दोगे, ठीक है। और यहाँ से एक और अच्छी चीज़ है ना कि यहाँ पे स्मोक है, यहाँ की आपने दूसरी टीम ने क्लियर कर दिया और क्लियर नहीं किया तो आप भी एक तुम दो बंदे मार कर क्लियर कर सकते हो। एंड यहाँ से आने के बाद ना आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पोजीशन को होल्ड कर लेना है, ठीक है, इस पोजीशन को होल्ड कर लेना है। एंड अब बात करें बी साइड के बी लॉन्ग से एंट्रेंस लेने का बेस्ट तरीका, वो भी फिनिक्स के साथ बाइंड मैप के अंदर, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा ना, आपको बी साइड पे आ जाना होगा, ठीक है, बी लॉन्ग की तरफ से आप यहाँ पे कुछ बी लॉन्ग से इस तरफ से आ रहे हो एंड आपको क्या करना है, एक फ्लैश कर देना है, क्योंकि बंदे कई बार यहाँ पर बैठे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पर बैठे होते हैं पहले से ही होल्ड करके साइड, तो आपको क्या करना है, फ्लैश कर देना है, और बहुत कई बार बंदे बैठे भी होते हैं आपको फ्री किल्स मिलेगी। एंड यहाँ पर स्मोक ऑलरेडी है और यहाँ पे एक बार आपको कॉर्नर चेक करना पड़ेगा यहाँ से, और अगर बंदा यहाँ पे होता है ना तो यहाँ से दिख जाता है, ठीक है, इतने में दिख जाता है, ऑलमोस्ट दिख जाता है, तो आप उसको मार सकते हो और ये कॉर्नर भी क्लियर कर सकते हो। तो सिंपली आपको देखो यहाँ पे क्या करना है, अगेन हमें उसी वॉल का अपनी फिनिक्स की वॉल का हेल्प लेना है, उसके लिए आपको कुछ यहाँ पे आके, ठीक है, ये वॉल पर सीधी ज़्यादा कुछ नहीं, बस यूँ कर देना है, और अगेन सेम मॉली कुछ इस तरीके और कॉर्नर एक बार चेक कर लेना और मॉली कर देनी है ताकि वो बंदा जो भी यहाँ होल्ड कर रहा हो हट जाए। फ्लैश के लिए एक और प्रिकॉशन के लिए आप फ्लैश यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे आने के बाद गाइस एनिमी टीम को एकदम अनएक्सपेक्टेड होता है कि बंदा यहाँ तक आ गया होगा, एंड अगर उन्होंने जान लिया ना तब भी आपकी साइड कंट्रोल करना, यहाँ पे आने के बाद जो बंदे ए लॉन्ग से दौड़ कर आ रहे हैं उनको नहीं पता होता यार बंदा पहले से इतना अंदर आ चुका होगा। और बोनस ट्रिक बताता हूँ मैं आपको बी साइड पे, जब हम स्पाइक को प्लांट करते हैं बी लॉन्ग पे तो आपको सिंपली क्या करना है ना, अपने स्पाइक को हम लोग जैसे यहाँ पर प्लांट करते हैं बी लॉन्ग पे, हम यहाँ से भी मार सकते हैं, बट अभी आपकी इस बार हम बी लॉन्ग पे कहाँ पे प्लांट करेंगे, हम कुछ इस जगह पे स्पाइक को प्लांट करेंगे, कुछ इस जगह पे, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे भी प्लांट करेंगे ना
तो इजिली चाहे आप बी लॉन्ग पे अभी भी हो ना या फिर आपके बंदे बी लॉन्ग पे, इजिली इसको व्यू कर सकते हैं। और आपको जब भी ऐसा लगे कि यार स्पाइक डिफ्यूज होने वाला है, सिंपली यहाँ पे आ जाना है कुछ यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। आप कहीं भी यहाँ खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिंपली अपने मॉली को ओपन कर लेना जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ठीक है। और अपने क्रॉस हेयर को कुछ इस जगह पर रखें, ठीक है। जैसा कि आप क्रॉस हेयर देख रहे हो एग्जैक्ट यहीं पर रखोगे एंड यहाँ पर आपको अपने मॉली को थ्रो कर देना है, ठीक है। और स्पाइक पे सीधा जाके मॉली गिरेगी एंड भाई जो भी बंदा स्पाइक डिफ्यूज कर रहा होगा उसके एल लग जाएंगे, ठीक है। और स्पाइक को थोड़ा सा आप और इधर कर सकते हो, लाइक यहाँ पे उसी जगह पे, यहाँ पे प्लांट कर दोगे एंड देन ये मॉली करोगे ना, यहाँ पे ऐसे हमने मॉली की तो एकदम एग्जैक्ट मॉली जाके स्पाइक पर गिरेगी, जैसा कि आप स्क्रीन में खुद देख पा रहे हो, ये देखो। और भाई जो भी बंदा स्पाइक डिफ्यूज कर रहा होगा ना उसके एल लग जाएंगे एंड वो कसम से लिटरली उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भाई मॉली यहाँ से आ सकती है। और एक और बोनस चीज बताओ ना यहाँ की, इससे क्या होगा ना ये जो बंदा डिफ्यूज कर रहा होगा वो फ्लैश हो जाएगा एंड जो आपका बंदा बी लॉन्ग की तरफ बैठा होगा ना उसको इजिली यहाँ से उसे मारने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, वो इजिली उसको यहाँ से मार सकता है क्योंकि वो बंदा अपोनेंट टीम वाला बंदा जो कि स्पाइक डिफ्यूज कर रहा था वो फ्लैश है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये भी काफ़ी अच्छी ट्रिक है बाइंड के बी साइड। एंड आप यहाँ पे एक और ट्रिक कर सकते हो, ऐसे ट्रिक तो नहीं कहूँगा बट ऐसा गेम सेंस कह सकता हूँ आपको। सिंपली जब आप बी लॉन्ग का जब होल्ड करते हो ये साइड पे कुछ इस जगह पे, जब आप बी लॉन्ग होल्ड कर रहे हो तो इस जगह पे, तो आपको बंदे यहाँ से आते हुए दिख जाते हैं। और ये भाई जो ये साइड है ना ये बहुत ज़्यादा नैरो है, ठीक है। नैरो का मतलब कि लाइक अगर यहाँ पे बंदा अगर यहाँ से निकल चुका है ना और इधर से तरफ आ रहा है तो अगर आपने उसे फायर किया फ्लैश किया तो उसके पास कुछ छिपने की जगह नहीं, ज़्यादा था वो इधर जा सकता है इधर जा सकता है तो वो एकदम स्टक हो जाता है। तो आप यहाँ पे हमेशा यहाँ पे होल्ड करो भाई, मेरे को इतनी ज़्यादा किल्स मिली ना। अगर आप इन सब में से ट्रिक्स में से बात करोगे तो सबसे ज़्यादा जो मैंने किल्स निकाली है वो यही जगह है बी लॉन्ग की जगह। मैं क्या करता हूँ बस यहाँ पे होल्ड करता हूँ एंड जैसे मेरे को स्टेप्स आते हैं कि बंदे बी लॉन्ग की तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं भाई, तीन चार बंदे या फिर दो बंदे जब भी दौड़ के आ रहे हो तो मैं सिंपली यहाँ पे बस एक मस्त सा फ्लैश कर देता हूँ एंड जो भी बंदे होते हैं ना वो ज़्यादा इसके आगे निकल आते हैं। एंड हाँ ये बात ध्यान रखना कि बंदे थोड़ा आगे आ चुके हों, आपको ये नहीं कि आपको पहले वहीं से आवाज़ आ गई और आपने फ्लैश कर दिया। अगर आप फ्लैश कर दोगे तो क्या पता वो तुरंत ही भाग के या इधर मतलब लाइक इसके पीछे यहाँ पे या फिर लेफ्ट साइड में भाग के अपने आप को सेव कर लें, ठीक है, कवर में। बट आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि जब भी आप फ्लैश करो यहाँ पर तो ट्राई करो कि बंदों को आप जब बंदे जो उनके स्टेप्स हैं उनके स्टेप्स काफ़ी आगे तक आ रहे हो, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ तक आ गए हो, ठीक है, देन आपको फ्लैश करना है, ठीक है, ऐसे फ्लैश कर देना एंड यहाँ पे एकदम काम रखना, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। मे भी हो सकता है आप जब फ्लैश करो तो क्या पता तीन चार बंदे यहाँ पे फ्लैश हो या फिर दो बंदे, मान लो अगर आपके सामने तीन बंदे फ्लैश हो गए तो आप ऐसा स्प्रे करोगे, ठीक है। आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, मैं भी पहले ये गलती करता था, पैनिक हो जाता था एंड ऐसा तीन बंदे फ्लैश, मेरे को लगता भाई तीनों बंदे फ्लैश है तीनों को मार दो, बट आपको पैनिक नहीं होना, आराम से हेडशॉट लेना है डबल टैप में या सिंगल टैप में एंड आप सबको मार दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अगर कोई बच भी गए तो आप वापस से कवर में आ जाओ एंड अगेन एक और फ्लैश है उसको कर दो, देन उसको मार दो जो बचा हुआ बंदा है, ठीक है। सो गाइस यही थी कुछ फिनिक्स की टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन बाइंड मैप, कि आपको कैसी लगी है जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। एंड आई थिंक बिगनर्स जितने भी होंगे एंड या फिर पुराने प्लेयर्स भी हैं उन सबको ये ट्रिक्स नहीं पता चली होंगी एंड वो यूज भी करेंगे एंड आई डैम श्योर आप देखना आपकी इतनी सारी किल्स निकलेगी कि आपने भी नहीं सोचा होगा मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मेरे को ज्यादा अपना ट्राई हार्ड करने की जरूरत पड़ी नहीं थी, तब भी मेरी फ्री की किल्स निकल रही है, ठीक है, और राउंड्स भी आप इजिली जीतोगे। बट यार आपको मैंने इतनी मस्त मस्त टिप्स एंड ट्रिक्स बताई यार फिनिक्स की, तो प्लीज एक बार लाइक करना तो बनता है एंड कमेंट बॉक्स में यार फीडबैक देना मत भूलना, क्योंकि आप तक जेन्युइन कंटेंट आने की हमें थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए होता है एंड आपका एक लाइक एंड कमेंट हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है आप तक और जेन्युइन कंटेंट पहुंचाने के लिए। एंड अगर आपको और टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए फिनिक्स की अदर मैप्स पे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको कौन से मैप पे चाहिए, मैं उसका वीडियो जरूर बनाऊंगा एंड उसमें भी टिप्स एंड ट्रिक्स जो होंगी वो बहुत ज्यादा जबरदस्त होंगी।